क्या आप फेसबुक के फोटो को छुपाना चाहते हैं? क्या आप अपने फेसबुक पे अपलोड किए हुए फोटो को दूसरों से हाइड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे अपनी फोटो को हाइड करने के लिए, अपनी फेसबुक फोटो को छुपाने के लिए ओपन करते अपने फेसबुक ऐप को। और दोस्तों फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो दिख रहा होगा, इसके बगल में आपका नेम, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा फोटो पे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप अब तक जितने भी फेसबुक पे फोटो अपलोड किए होंगे वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आप किस फोटो को हाइड करना चाहते हैं, आप किस फोटो को छुपाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटो को छुपाना चाहता हूँ, तो इस फोटो पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिखलाई दे रहे होंगे, आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट पोस्ट प्राइवेसी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम सी मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये डिफॉल्ट रूप से पब्लिक पे सेट रहता है। पब्लिक पे सेट रहने का मतलब कि ये जो फेसबुक पे आप फोटो अपलोड किए हैं वो सभी लोगों को दिखेंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड का, अगर आप फ्रेंड पे टिक करते हैं तो आपकी जो फ्रेंड है फेसबुक का सिर्फ वही देखेगा। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड एक्सेप्ट, अगर यहाँ पे आप टिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाती है। आप यहाँ से उन फ्रेंडों को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी फोटो नहीं दिखलाना चाहते हैं, यहाँ से आप इस तरह से टिक करके सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिफिक फ्रेंड, यहाँ पे हम टिक करते हैं स्पेसिफिक फ्रेंड पे। तो दोस्तों अगर आप स्पेसिफिक फ्रेंड पे अगर टिक करते हैं, जिस फ्रेंड के सामने आप टिक करते हैं सिर्फ उसी को आपकी फेसबुक फोटो दिखेगी और बाकी किसी भी व्यक्ति को आपकी फेसबुक की फोटो नहीं दिखेंगी। यहाँ से भी हम आते हैं एक बार बैक और यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है ओनली मी। दोस्तों अगर यहाँ पे आप टिक कर देते हैं और यहाँ से आप आ जाते हैं अगर बैक, तो ये जो आपकी फोटो है बिल्कुल हाइड हो जाती है, ये फोटो फिर आपकी फेसबुक पे किसी को भी नहीं दिखेंगी, चाहे वो फ्रेंड हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो।